माता बांछल गुरु ओगड़ की बात मान करके बागों में चली गई और जाकर के गुरु ओगड़नाथ ये पूछने लगी कि ओगड़नाथ एक बार ये बता दे तेरा गुरु गोरखनाथ है कौन सा। आइए किस प्रकार से माता बांछल गुरु ओगड़नाथ का पता पूछिए और क्या कह रही है, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। के हाथ जोड़े के कहूं मैं नाथ जी और वार घनी अब होगी अरे जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी, जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी। हाथ जोड़े के कहूं मैं नाथ जी, हाथ जोड़े के कहूं मैं नाथ जी। अरे वार घनी मन होली बता कौन सा है गोरख योगी, जल्दी सजे बता कौन सा है गोरख योगी। कलिहारी दिए जल्दी मन बता, ननद लड़ेगी कलिहारी दिए जल्दी मन बता, नुक ननद लड़ेगी कलिहारी दिए जल्दी मन बता, ननद लड़ेगी कलिहारी दिए जल्दी मन बता। ए जिसके ना हो जख्म भलायु से दुखता के पता, जिसके ना हो जख्म भलायु से दुखता के पता। ए नहीं रे किसी की खता रे नाथ जी, नहीं रे किसी की खता रे नाथ जी, मेरी किस बात पड़े के सोगी, जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी, जल्दी से बता कौन सा है गोरख योगी। जो मलाल ने सुन बदलाऊ मात मेरी तुम जो मलाल ने, जो पता गुरु को चले मेरी उड़वा दे खाल ने, जो पता गुरु को चले मेरी उड़वा दे खाल ने। ओए हाल तेरे ने देखे देखे के, जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी, जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी। We'll be right back.
छोटी सतगुर ने कोई नाथ मेर कमी नहीं छोटी सतगुर ने कोई नाथ मेर हर सर चोड़ा कानों में कुंडल मेघ गात में सर चोड़ा कानों में कुंडल मेघ गात में हे संतों की ने रया रे जमात ने बता कौन सा है गोरख योगी जल्दी सदे बता कौन सा है गोरख योगी जय हो भगवा बाणा कड़ा ची मिटा बिछरी मृग छाला भगवा बाणा कड़ा ची मिटा बिछरी मृग छाला तन वही मिले सुखबीर शरण में छजो घरवाला तन वही मिले सुखबीर शरण में छजो घरवाला जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी जल्दी से दे बता कौन सा है गोरख योगी ओए हाथ जोड़े के कहूं मैं नाते जी हाथ जोड़े के कहूं मैं नाते जी अरे वारे गणी मने होगी बता कौन सा है गोरख योगी जल्दी करके बता कौन सा है गोरख योगी योगी बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय आइएगा धोने पर पहुंच गई माता वाचल गुरु गोरखनाथ ने कह दिया कि माता वाचल तुम्हें 12 साल तक सेवा करनी पड़ेगी उसके बाद मैं तुम्हें फल दे करके जाऊंगा। आइए 12 साल हो गए माता वाचल को सेवा करते करते सोंट वगैरह आइए माता वाचल को समय दे दिया गुरु गोरखनाथ महाराज ने कि कल सुबह 4 बजे आ जाना और फल लेकर के चले जाना। आइए यही बात माता वाचल अपनी छोटी बहन काचल को बता देती है कि कल मुझे गुरु गोरखनाथ एक बेटे का वरदान देंगे। आइए माता वाचल सीधी थी काचल माता वाचल के कपड़े वांग करके ले आई रात को और सुबह ही वरदान लेने के लिए बागों में पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ नींद में थे उठा करके अपने कमंडल से दो जोर माता काचल के हाथ में रख दिए। माता कांचल बाग से निकलते ही दोनों जो खा गई और अपने घर चले आकर के माता वाचल के कपड़े वापस दे दिए। जैसे ही माता वाचल ने देखा कि गुरु गोरखनाथ महाराज ने मुझे समय दिया था 4 बजे जाने का और मैं लेट हो गई। आइए जल्दी जल्दी खीर खाने के भोजन तैयार करती है और बागों की ओर चल देती है। भजन तो काफी है इस बीच के वक्तों लेकिन आरती का समय होने जा रहा है एक आधा भजन सुनाऊंगा आप सभी के बीच में उसके बाद में आरती होगी। आइए जैसे ही जाकर के देखती है बागों में तो गुरु गोरखनाथ अपना धोना पाड़ देते हैं। माता वाचल धरती पर गिर गई चक्कर खाके कि गुरु गोरखनाथ अगर तुझे फल ही नहीं देना था तो तूने इतने वर्ष तक मुझसे सेवा क्यों कराई मेरे बाबा। आइए किस प्रकार से माता वाचल गुरु गोरखनाथ महाराज को पुकार रही और क्या करी बोली सच्चे दरबार की जय।
सच्चे दरबार की के नाथ जाने वाले रुक अरे जइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले। यू कहने लगी माता बाछड़ के गुरु गोरखनाथ अगर तू ये जाना ही था और फल नहीं देना था तो मुझसे 12 साल सेवा क्यों कराई मेरे बाबा। आइए किसी प्रकार से कह रही है कि नाथ जाने वाले रुक जाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले रुक जाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले। कैसे योगी चाल पड़ा तड़पूंगी दिन रात में कौन सी गलती होगी रे बाबा मुझसे तेरे साथ में कौन सी गलती होगी रे बाबा मुझसे तेरे साथ में। ओए कैसे योगी चाल पड़ा तड़पूंगी दिन रात में कौन सी गलती होगी बाबा मुझसे तेरे साथ में कौन सी गलती होगी बाबा उसे तेरे साथ में। चाल पड़ा रात मेरे चाल पड़ा रात में रुक चाहिए जरा कथा क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले। मोल्लू कहां गया यू कहने लगी क्या गुरु गोरखनाथ वो मोल्लू मैंने इतने साल तेरी तपस्या की तेरी सेवा की मगर आज तू मुझे इस तरह से छोड़ करके चला गया ये संसार मुझे सोना सोना लगता है मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। और किस प्रकार से कह रही है माता वाचल हो ये दुनिया ये महफिल ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। ये बात भैया जय हो छोरे सुना है चौबारा सुनी मेरी कोख है 12 साल करी सेवा कटा नहीं रोग है 12 साल करी सेवा कटा नहीं रोग है। सुना है चौबारा मेरा सुनी मेरी कोख है 12 साल करी सेवा कटा नहीं रोग है करी सेवा पता नहीं लोग है। अरे तने मार लोग हैं रे तने मार लोग हैं सुन चाहिए जरा है कथा क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले। ये बात दादा
तू आवे तारी पापा भगवान तेरा पाणा इतनी क्या जल्दी हो गई जो पड़ गया तने जाना इतनी क्या जल्दी होगी पड़ गया तने जाना शिव का तू आवे तारी रे पापा भगवान तेरा पाणा इतनी क्या जल्दी होगी पड़ गया तने जाना अरे फूल तो खिलाना वंश मेरा फूल तो खिलाना वंश मेरा चलिए जरा पता क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले टेर सुन के रुके गोरख ज्ञानी पाचल की टेर सुन के रुके गोरख ज्ञानी लिखे हैं हरीश पावी तुको की कहानी पाचल की टेर सुन के रुके गोरख ज्ञानी पाचल की टेर सुन के रुके गोरख ज्ञानी भाटी हंस वहाणी नितेश भाटी हंस वहाणी मनइए जरा पता क्या है मेरी बताइए जरा नाथ जाने वाले रुके जइए जरा पता क्या है मेरी बताइए जरा